वेलकम बैक टू द कैनेडियन फीवर चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैनेडियन फीवर के चैनल पर। आज मैं 7 जुलाई 2022 की आईएलटीएस एग्जाम की फाइनल प्रेडिक्शन करने जा रहा हूं, तो मस्ट वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट बताने जा रहा हूं जो कि इस नोटबुक पर रिटर्न नहीं है, तो स्किप करके देखेंगे तो वो चीज़ें स्किप हो जाएंगे और आप वीडियो को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। और एक इसके साथ मैं आप सभी के साथ वादा करना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको यकीन मानिए आपको कोई और भी प्रेडिक्शन देखने की ज़रूरत नहीं होने वाली है। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब करने के 3 बेनिफिट हैं जो मैं आपको फटाफट पॉइंट आउट कर देता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है आज के टाइम में एग्जाम बहुत ज़्यादा लीक हो रहे हैं, चाहे मैं राइटिंग की बात करूँ या रीडिंग की बात करूँ। एग्जाम से कुछ घंटे पहले या फिर एक दिन पहले ही एग्जाम लीक हो जा रहा है। अगर ऐसे कोई भी अपडेट होती है तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी उस वीडियो की, आप उस वीडियो को देख पाएंगे एग्जाम से पहले इनकेस अगर ऐसा होता है तो। इसलिए सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बच्चे बेल आइकन प्रेस नहीं करते और उनको नोटिफिकेशन नहीं आती है। सेकेंड पॉइंट बात करूं तो इससे जो एग्ज़ाम से पहले जो एक होगी, इससे पहले एक मैं कुछ बेसिक अपडेट्स लेकर आऊँगा जो एग्ज़ाम से पहले आपको करना बहुत ज़रूरी होगा, जिसके अंदर आपको कुछ मटेरियल मिलेगा एग्ज़ाम से पहले एक वीक पहले, जिससे आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना जो कि एग्ज़ाम लेवल का होने वाला एक स्टैंडर्ड होगा सेट। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात यह है कि जैसे ही आप एग्ज़ाम देकर अपने एग्जामिनर हॉल से निकलेंगे उस विद इन 1 आवर या कहूँ हाफ आवर के अंदर आपको उसके रियल एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर प्लस आंसर की देखने को मिल जाएगा, जिसे आप मैच कर सकते हैं। घर अगर अपने रीडिंग लिसनिंग के आंसर मैच कर सकते हैं या राइटिंग की बात कहूं तो राइटिंग भी मैच कर सकते हैं क्या क्या पॉइंट लिखने ज़रूरी थे। चलिए अब शुरू करते हैं प्रेडिक्शन को। प्रेडिक्शन की बात करूं तो आप यहां देख सकते हैं एक स्टडी प्लान है, स्टडी मटेरियल दिया हुआ है। यहां 2 टाइप के स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लान है। स्टडी प्लान फ्री है, कॉस्ट है, सभी बच्चों को प्रोवाइड किया गया था, उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर आप जाइए जाके आप देख सकते हैं। अगर मटेरियल की बात करूँ तो मटेरियल भी फ्री में प्रोवाइड किया गया था, डेट अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया गया था। अभी भी टाइम बचा है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्री मटेरियल के साथ। जो बच्चे पेड लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, पेड की स्क्रीन आपके सामने आ रही होगी, आप उसको देख के परचेज भी कर सकते हैं। अगर आप कहें कि हमारी सक्सेस रेशियो क्या है आपके प्रेडिक्शन की, तो आपको सक्सेस रेशियो देखना है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। canadianfever.com कहूँ या फिर कहूँ इंस्टाग्राम पर आप जाइए, वहाँ पर जाने के बाद आपको अचीवमेंट एक सेक्शन दिखेगा, वहाँ पर जाने के बाद आप उस सेक्शन को देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा हमारी सक्सेस रेट क्या है। या फिर अगर मैं बात करूँ आपको इससे भी नहीं है तो आप प्रीवियस कोई भी एग्जाम उठा के देखिए और उसकी हमारी प्रेडिक्शन मैच कीजिए, आपको पता लग जाएगा हमारे मटेरियल की सक्सेस रेट आपको पता लग जाएगी। चलिए अब प्रॉपर प्रेडिक्शन को शुरू करते हैं। पैसेज की ओवरऑल पैसेज बताऊं तो रीडिंग का इजी आने वाला है इस दिन। अगर मैं पैसेज 1 की इंडिविजुअली बात करूं पैसेज 1 की, तो ब्लैंक्स एंड यस नो हमें देखने को मिलने वाले हैं फर्स्ट पैसेज के अंदर। अगर पैसेज 2 की बात करूं इसके अंदर हमें विच पैराग्राफ कंटेन एंड ट्रू फॉल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर पैसेज 3 की बात करूं फिलिप्स एंड एमसीक्यू एंड रिसर्च एंड मैचिंग आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं इस बार एग्जाम के अंदर थर्ड पैसेज के अंदर, जो कि थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, बट ओवरऑल अगर रीडिंग की बात करूं तो ईजी रहने वाली है। अगर जीटी की रीडिंग बात करूं तो इस दिन जीटी के बच्चों के लिए कोई भी एग्जाम नहीं है, तो आप रिलैक्स हो सकते हैं। अगर लिसनिंग की बात करूं लिसनिंग अगेन इजी होने वाली है, बट इसके अंदर हमें 3 वर्ड्स एंड एमसीक्यू देखने को मिल सकते हैं। कहां कहां देखने को मिल सकते हैं, सेक्शन 2 सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 के अंदर हमें एमसीक्यू या फिर 3 वर्ड्स देखने को मिल सकते हैं। सेक्शन 1 ईजी रहेगा, आप रिलैक्स रह सकते हैं। राइटिंग टास्क 1 की बात करूं बार लाइन पाई टेबल अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। यहां पर एक और चीज मैं ऐड कर देना चाहता हूं, मैप को भी एक अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि मैप के भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं इस बार, तो यहाँ पर मैं मैप भी मेंशन कर रहा हूँ। अगर मैं टास्क 2 की बात करूँ टास्क 2 के अंदर हमें एग्री एंड डिसएग्री डिस्कस बोथ फ्यू एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाना है। अगेन इसके साथ एक और मैं टास्क 2 ऐड कर रहा हूँ, जो कि है हमारा क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, या क्वेश्चन कहूँ क्वेश्चन आंसर कहूँ या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन, आप अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाइए। कोई एक एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, सेफर साइड में रहने के लिए, क्योंकि जो कि जैसा कि हमने पिछला एग्जाम देखा था थोड़ा अनप्रडिक्टेबल हो गया था, तो इसलिए मैं आपको एक अलग से प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ये रही ओवरऑल 7 जुलाई 2022 की आज एग्जाम की प्रिडिक्शन, और ओवरऑल एग्जाम ईजी रहने वाला है, आप बेफिक्र होकर जाइएगा, अच्छे से एग्जाम कीजिएगा, और मेरी तरफ से सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक है। मैं उम्मीद करूँगा सभी बच्चे अपना डिजायर जल्द से जल्द अचीव करें और जल्द से जल्द अपनी ड्रीम कंट्री मूव कर दें। तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।